देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। दोस्तों, आज इंडिया न्यूज 16 की टीम पहुंची हुई है एक ऐसे धाम पर जहां पे अगर कोई सांप खाया हुआ व्यक्ति पहुंच जाए तो उसे बिना किसी दवाई के उसको यहां पर पहुंचने मात्र से ही वह ठीक हो जाता है। तो दोस्तों, यहां के जो अंदर के मंदिर कमेटी है उससे आज हम मिलवाएंगे कि कितना पुराना यह मंदिर है, क्या इसकी मान्यता है। इन सब बातों से आज हम आपको जानकारी दिलाएंगे। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, ये मंदिर है मांडोला, महेंद्रगढ़ शहर के गांव मांडोला में यह उपस्थित है, जहां पे इंडिया न्यूज़ 16 की टीम पहुंची हुई है और यहां के बारे में जो भी खबरें हैं वो देंगे हम आपको। और अब चलते हैं दोस्तों, अब हम पहुंचे हैं जो मंदिर की जो कमेटी जहां पे बैठती है, जहां पे जो गांव के बड़े बुजुर्ग बैठे रहते हैं मंदिर में, उनके पास पहुँचे हैं और जानते हैं मंदिर की क्या सच्चाई है, कितना पुराना मंदिर है और क्या इसका इतिहास है, इसके बारे में हम थोड़ा पूछेंगे। तो बात करते हैं जो यहाँ पे स्थानीय लोग बने हुए हैं कमेटी के। स्वागत है जी आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। हाँ जी, तो ये बताएं जी, जिस प्रकार से अपना मंदिर है, यहाँ पर रोज़ भक्तजन आते हैं, भीड़ बनी रहती है, तो कितना पुराना मंदिर है ये? जी हमें सदियों पुराना मंदिर है, बहुत ज़्यादा पुराना याद से पहले का, आपकी याद से पहले का। तो ये बताएं कि किस प्रकार की मान्यता है इस मंदिर में? इसमें जो अपनी भावना रखे ना वो मानता तो सभी है, मगर जो सांप काटा हुआ जाता है ना मरीज, वो बगैर दवा ठीक होकर जाता है। आज अगर किसी को सांप ने काट लिया और वो यहाँ पे आ जाए तो उसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, वो यहाँ आने से ही ठीक हो जाता है। काफ़ी कितने मरीज़ यहाँ आते हैं, किस प्रकार से ठीक हो जाते हैं? तो मरीजों कोई संख्या नहीं, ज़्यादा भी आ जाते हैं कम भी आ जाते हैं, कोई संख्या नहीं है, लेकिन ये श्योरिटी है कि आने के बाद वो ठीक हो गए जाते हैं। ठीक हो जाता है बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई भक्तजन आता है, अगर उसे सांप खाया है वो पहुँचता है मंदिर में, दरबार में पहुँचता है तो वो ठीक होके ही जाता है। तो ये बताएं कि रोज कितनी संख्या में भक्तजन यहाँ पे आते हैं? ये कोई गिनती नहीं है, लगभग आइडिया तो होता है कि भाई 20-30 हज़ार आदमी, 20-30-50 तो रोज आते रहते हैं। और जिस प्रकार से साल में यहाँ मेले का प्रोग्राम होता है वो कितनी बार होता है? मेले का तो भादवा लगता है, सप्तम को होता है, साल में एक ही बार होता है। तो उस मेले में किस प्रकार से आप आयोजन करते हो, जैसे प्रसाद वितरण होता है, भीड़ को नियंत्रण करना होता है, मेले को नियंत्रण में करना होता है, वो किस प्रकार से करते हैं? नहीं, भीड़ तो काफ़ी होती है, दुकानें या नावरती भी नहीं, और रात को कीर्तन वगैरह होते हैं, रात को कीर्तन करवाते हैं। तो यहाँ पे जो भक्तजन आते हैं अंदर में, जैसे लाइनें लगवा के जाते हैं, तो उसको आप किस प्रकार से मैनेज करते हो? गांव वालों का अकेला सहयोग होता है या कोई बाहर के गांव वाले भी आते हैं, या कमेटी का ही होता है, किस प्रकार? कमेटी का ही, सिर्फ कमेटी काम करती है। बहुत ही अच्छी बात। जिस प्रकार से हम बात कर रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से कि यहाँ पे जिस प्रकार से कोई भी भक्तजन आता है, अगर वो सच्चे मन से कुछ मांगता है तो उसकी भावना जो होती है, जो उसका मन के अंदर जो उसने कहा होता है वो पूरा होता है, इसी प्रकार से हम जो स्थानीय लोग बने हुए उनसे और बात करते हैं। तो स्वागत है जी आपका इंडिया न्यूज़ 16 में। नमस्कार जी। तो ये बताएं कि आप यहाँ कितने वर्षों से आ रहे हैं? हम पैदाइश यहीं की, हमारी यहीं की पैदाइश है, और यहीं से जब हमारे पूर्वज जब देख रहे थे तब भी ये मंदिर था, और जो जो भी श्रद्धा लेके आता है, किसी तरह की भी श्रद्धा, वो सबकी श्रद्धाएँ पूरी होती हैं। आप दिन में कितना समय यहाँ पे व्यतीत करते हैं मंदिर में? जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय मिलता है वो यहीं पास करते हैं, बाबा की सेवा में। अच्छा, बाबा की सेवा में करते हो। तो जिस प्रकार से कितने लोगों की कमेटी बनी हुई है यहाँ? पाँच आदमी की। अगर जो पाँच आदमी जो कमेटी में है वो जो निश्चय करते हैं उनको पूरा गांव उसका पालन करता है? हाँ बिल्कुल जी, वही माननीय। तो कोई नहीं है कि भाई पांच लोगों ने डिसाइड कर दिया फिर गांव वाला उसका विरोध कर रहे हैं? वही माननीय होगा जो कमेटी डिसाइड करेगी, वही। बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे मंदिर में जिस प्रकार से भीड़ होती है, तो नेता वेता आते हैं, तो किस प्रकार से वो कुछ दे के जाते हैं या क्या कुछ करते हैं? वो जो अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी चंदा होता है वो दे के जाते हैं। खेल कबड्डी की कुछ चीज़ें जैसे होती हैं, भजन कीर्तन होते हैं, भंडारा होता है, भंडारा एक हमारी अलग से स्पेशल कमेटी बनी हुई है, वो भंडारा होता है, लगभग 2 दिन का भंडारा चलता है। खेल कबड्डी कुश्ती का जो आयोजन होता है उसमें नेता लोग आते हैं, उनसे हम अपने वो वितरित करवाते हैं, उनके इनाम वगैरह वही वितरित करके जाते हैं। तो जब जो भंडारा करवाते हो उसमें गांव का सहयोग होता है या कोई स्पेशल आदमी करवाता है? स्पेशल वो हमने किसी का चंदा लेते, वो हमारी एक अलग से संस्था बनी हुई है, 10-20-50 आदमियों की जैसे भी है ना, वो गांव की, बाहर से गांव का कोई नहीं, गांव की एक संस्था बना रखी है, वो भंडारा की संस्था अलग है, और बाबा कमेटी
ये अलग संस्था। तो अब मेले में कितने कितने प्रकार के खेल करवाते हो यहाँ पे? जो भी जैसे आज के टाइम में जितने भी जो चालू है, एक क्रिकेट को छोड़ के बाकी अन्य तो सारे खेल होते हैं। कितने तक के, कितने पैसे तक का इनाम आप यहाँ पे वितरित करते हो? ये 51,000 इनाम तक बांटी जाती है। 51,000 की कुश्ती होती है? हाँ जी हाँ जी, कुश्ती भी होती है, कबड्डी भी होती है, लॉन्ग जैसे भी जैसे जो जो एथलीट जैसे जैसे टाइप के होते हैं उसी हिसाब से। दोस्तों जिस प्रकार से हम बात कर रहे थे यहाँ पे जो कमेटी के मेंबर बने हुए थे उनसे हमने बात की, अब हम आपको दिखाते हैं जो दृश्य मंदिर में है, किस प्रकार से लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पीछे जो मंदिर का दृश्य बना हुआ है उसके बारे में हम आपको दिखाएंगे, बने रहिए। दोस्तों अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं जहाँ पर भक्तजन आकर पूजा करते हैं, अपनी जो भावना होती है वो भगवान को मन ही मन बताते हैं और भगवान उस भावना को, उस भक्ति को देखते हुए उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार भक्तजन आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं, अपनी जो मनोकामना है वो भगवान को बता रहे हैं। और ख़ास बात यहाँ पर जो सांप खाने के बाद मरीज पहुँचता है उसे बिना किसी दवाई के भगवान अपने आप ठीक कर देते हैं। और काफ़ी सुविधाएं मंदिर में हैं, यहाँ पर अलग से यहाँ पर जो भंडारा होता है उसका स्थान बनाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ और जो ये पक्का तालाब बनाया गया है, बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं। इस प्रकार से जो बाकी मंदिर हैं और सभी दार्शनिक स्थल को हम आपको दिखाएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। धन्यवाद दोस्तों।